तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। हेलो भोपाल, मैं हूँ रेडियो पर आपका दोस्त भोपाली। प्रिकेरियस, PRECARIOUS। चलो नाश्ता कर लो। चल चल। Quit essential। QUINTESSENTIAL। Good. Now spell pneumonia. NEO। यथु, pneumonia में P silent होता है ना? P silent होता है तो उसे लगाता ही क्यों है? पता नहीं यार। पता नहीं? मतलब पता नहीं, P silent है ना? Ostentatious। देखा, भूल गए ना, वहाँ जाके भी यही करोगे तुम। सोच के यार, आकांक्षा बच्चा है, कुकर नहीं जो इतना प्रेशर डाल रही हो। एक स्पेलिंग कंपटीशन की बात नहीं है, इसकी पूरी लाइफ का सवाल है। रेप्यूटेड स्कूल में एडमिशन के लिए ना डोनेशन चाहिए होती है, और जब पेरेंट्स की जेब खाली हो मानव, तो यही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट की वजह से एडमिशन होता है। अच्छा समझे मिस्टर मानव बाजपेयी, भले बच्चा इस वजन में तब क्यों ना जाए। क्या क्या कहा तुमने? 6 साल का यार हमारा बेटा। तो लोग आजकल अपने बच्चों को 2 साल की उम्र से कंपटीशन में ले जाना शुरू कर देते हैं। 2 साल की उम्र में कंपटीशन किस चीज का होता है? ज्यादा डायपर गंदा करने का। तुम ना बस मजाक करते रहना। आजकल के किड्स वंडर किड्स हैं, और मैं चाहती हूँ यथु भी वंडर किड बने। आफ्टर ऑल इसकी मॉम जो वंडर वुमन है। वंडर नहीं, थंडर वुमन। क्या वंडर क्या? देखो 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 टाइम क्या हो गया, इतना लेट हो गया है, जल्दी से इसकी जीन्स पहनाओ। इतना टेंशन क्यों ले रही हो? स्मार्टनेस इसकी जीन्स में है। कौन सी पॉकेट में डाला? क्या जोक मारा। चलो बताओ आप कौन सी पॉकेट में है। जीनियस जल्दी से दूध पी लो ताकि तुम्हें तुम्हारी स्पेलिंग याद रहे। ओके। सुमन, आज सैटरडे है ना? शनि मंदिर तेल चढ़ाने कब जाना है? आज। तो आज ही होगा ना सैटरडे। हाँ, सेकंड सैटरडे छुट्टी के दिन। ये आकांक्षा इतनी जल्दी निकल लग रही है, आज कहाँ जा रही होगी इतनी सुबह सुबह? आकांक्षा, मनचंदा जी पूछ रहे हैं कि सेकंड सैटरडे वाले दिन तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सुमन दीदी, वो आज यथु का स्पेलिंग भी कंपटीशन है ना, बस उसी के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू। आपकी वो हरी वाली शर्ट प्रेस कर दूं? जाना है साथ? हाँ तुम भी। अरे मैं क्यों जाऊंगा, और वैसे भी इंग्लिश के चोंचले वोचले ना, मेरे बस की बात कहाँ। बस के तो वैसे भी कुछ नहीं ना है आपके, फिर भी कोशिश पूरी करते हो। अब जाओ चाय बनाओ मेरे लिए। हाँ, जा रहा हूँ। ये वाला पहनूं या ये वाला? ये वाला पहना तो लोगों को पक्का शक हो जाएगा कि फेक है। ये वाला पहनती हूँ, छोटा है पर असली लगता है। मुझे तो मंगलसूत्र में बेस्ट लगती हो। इतना क्या सोच रही हो, कर दो मेहरबानी किसी भी सेट पे। जो भी पहनोगे अच्छा ही लगेगा। मानव, ज्वेलरी सिर्फ अच्छी नहीं महंगी भी लगनी चाहिए। स्टेटस नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। केवल रेडी मामा। यस बॉस। सुसु स्टेटस। ओके रिपोर्ट। वेल डन। कैप स्टेटस। बस आ रही है। ओह नो मानव, कैब ड्राइवर ने तो कैब कैंसिल कर दी। अब हम कैसे जाएंगे? ओह गॉड, एक और बुक करती हूँ। एक तरीका है। नो मानव, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। नो प्लीज। अरे पर पहुंचेंगे कैसे? अभी तुम एक और बुक करोगी तो उसको ही आने में 15-20 मिनट और लग जाएंगे। टाइम से पहुंचना है तो बस यही एक तरीका है। 2020 मानव, तुम्हारी 2020 ना टेस्ट मैच से भी ज्यादा स्लो चलती है। एक मौका तो दो मानव। मैं उस सेकंड हैंड खटारे में नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी और नहीं बैठूंगी। अब देखना कैसे 2 मिनट में पहुंचाता हूं। क्या हुआ? बुरा लग रहा है कि इतनी खूबसूरत औरत को उसका ईमानदार बेवकूफ आदमी किसी खटारा गाड़ी में लेके जा रहा है। मेरे पास तो महंगी वाली गाड़ी है ना? मैंने ऐसा कब कहा? कह के तो देखो, तुम्हारी जुबान खींच के उस पर गांठ ना बांधो ना तो बोलना। मैं धक्का नहीं मारूंगी। नहीं नहीं, तुम क्यों धक्का मारोगी? बहुत दिनों बाद निकली ना घर से तो नखरे कर रही है। बदमाश शुरू हो जाए यार, क्यों इंसल्ट करा रही है? प्लीज डैडा। हाँ पेट्रोल तो है ना? पूरी सुई है बेटा। ये गाड़ी पेट्रोल से थोड़ी ना, दुआओं से चलती है। गुड आइडिया। हे बजरंगबली, जय बजरंगबली। हो गई दुआ कबूल। चलो अब स्कूल। जीपीएस आधा घंटा दिखा रहा है, नहीं पहुंच पाएंगे टाइम पर। ऊपर से आज छुट्टी के दिन इतना ट्रैफिक क्यों है? दुनिया की जब सबसे खूबसूरत लड़की भोपाल की सड़कों पे उतरेगी तो जैम तो लगेगा ही ना। नहीं, वो जगह जगह रोड रिपेयर का काम चल रहा है ना, इसलिए जैम। लो, फिर तो बच्ची खुशी उम्मीद भी गई टाइम पर पहुंचने की। हेलो भोपाल, क्या हाल? मैं हूं आपका प्यारा दोस्त मिस्टर भोपाली। तो सीन क्या है, आज 3:30 बजे मिटियोर की बारिश होने वाली है, यानी एक बड़ा सा तारा टूटने वाला है। और कहते हैं टूटते हुए तारे को देख के इंसान दिल से जो भी ख्वाहिश करे वो जरूर पूरी होती है। आप ये टूटता तारा तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन आंखें बंद करके विश जरूर मांगेगा। I just wish हम टाइम पर पहुंच जाएं। मेरी जान, आज तुम्हारी विश टूटा तारा नहीं, तुम्हारा ये हस्बैंड प्यारा पूरी करेगा। भोपाल की जानी मानी हस्ती मानव बाजपेयी, म्युनिसिपल ऑफिसर। जितना मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता, उससे ज्यादा इस शहर की गलियों और सड़कों को जानता हूँ। सामने देखो। देखोगी तो अब तुम मेरा कमाल। मानव, तुम राइट क्यों ले रहे हो? जीपीएस लेफ्ट दिखा रहा है ना। मेरी जान रिलैक्स, ये बेरसिया रोड है, जोन 3 वार्ड 17। यहाँ के केबलिंग की खुदाई का काम चल रहा है। ओह। और ये है वार्ड 17 मंगलवारा, और आगे बढ़ेगा वार्ड 35 बरखड़िया रोड, यानी आगे से लेंगे हम राइट। अरे मिश्रा तो कह रहा था रिपेयर का काम खत्म हो गया। टोपी पहना रहा था, खबर रहता हूँ इसकी। ऑफिसर साहब, आज छुट्टी का दिन है, अपनी बीवी और बच्चे पर ध्यान दो। यस मैम। अरे यार, क्या हुआ? पहुंच तो गए। हाँ, लेकिन 10 मिनट पहले पहुंच गए ना, अब वेट करना पड़ेगा। अब बताओ कौन काम आया तुम्हारे? टूटा तारा या हस्बैंड प्यारा? मेरा हस्बैंड प्यारा। पर मानव, इस एसी का कुछ करो ना। देखो गर्मी में हमारी कैसी हालत हो गई है। गर्मी? कहाँ है गर्मी? सब ठीक तो है, फर्स्ट क्लास। अगले हफ्ते ठीक करा लूंगा। लेकिन यार एसी से ना गाड़ी पेट्रोल ज्यादा पीती है और चलती भी स्लो है। हाँ तो तुम्हें तेज चलाकर कौन सा शूमेकर बनना है? शूमेकर क्या होता है मम्मा? शूमेकर नहीं बेटा, शूमाकर। स्पेलिंग बताओ। है? मिसिसिपी। आमा यार, ये स्कूल है या गाड़ियों का शोरूम है? जगह नहीं मिल रही थी पार्किंग में, बड़ी मुश्किल से लगा के आया हूँ। और मेरे लाल, मेरे चैंपियन, ऑल सेट। जिसकी अम्मा अपसेट हो वो क्या ही सेट होगा। क्या हुआ अक्कू? देखो ना यार, कब से इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मिसिसिपी इज MISSISSIPI, पर ये है कि इतनी सिंपल सी स्पेलिंग भी नहीं बता पा रहा है यार। ये सिंपल है, इसकी उम्र का था तो अपने नाम की स्पेलिंग ठीक से नहीं बोल पाता था। इसीलिए मानव, मैं चाहती हूँ कि जब ये तुम्हारी उम्र में आए तो तुम्हारे जैसा। तुम बताओ, मिसिसिपी MISSISSU क्या? सुसु सुसु आई है यार बेचारे को, पर घर से तो करके ही निकले थे ना। अब ज्यादा सुसु करने पर टैक्स थोड़ी लगता है। अच्छा है ना अभी आ गई, कंपटीशन के बीच में आ जाती तो। हाँ जाओ, पर जल्दी आना। हाँ, जब देखो सुसु आता रहता है। दादा, मुश्किल से सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, सारे फ्रेंड्स आराम से घर पे बैठ के टीवी देखते हैं। मम्मा मुझे ऐसे कॉम्पिटिशन्स में क्यों ले आती है? बेटा, जब आपके इत्तू से गुल्लक में ढेर सारे पैसे आ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। ठीक वैसे ही ना, जब आपके इत्तू से ब्रेन में खूब सारी नॉलेज आ जाती है ना, तो मम्मा को बहुत अच्छा लगता है। और मम्मा इसलिए ऐसा करती है ताकि आप बड़े होके खूब बड़े इंसान बनो। आपको भले ही मम्मा की बातें अभी ना मिर्ची की तरह तीखी लगती होंगी, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे ना तो यही बातें आपको जलेबी की तरह मीठी लगेंगी। अच्छा चलो, जलेबी नहीं तो समोसा ही सही है? दो समोसे देना भाई साहब। आकांक्षा है ना? हाँ यार, चल मिलके आते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अरे एक मिनट, एक मिनट। हाय हाय, मुझे पता था तुम यथार्थ को लेकर इस कंपटीशन में जरूर आओगे। हाँ, मैं आई लुक एट यू, यू आर ग्लोइंग। कमाल का टाइम मैनेजमेंट है तुम्हारा, सुबह सुबह फेशियल करा के आ गई। फेशियल नहीं तो? नीतू, ये तो आकांक्षा का नेचुरल ग्लो है, ऐसे ही थोड़ी ना सब इसे ब्यूटी क्वीन बोलते हैं। प्रिया तू भी ना। वाव यार, ब्यूटीफुल पेंडेंट। थैंक यू। प्योर गोल्ड, भोपाल की फेमस वर्तिका ज्वेलर से खरीदा है। Must be very expensive, ना? No, 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 no. Just 3 lakhs. Pretty. आकांक्षा, अब तुम भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना छोड़ दो और रियल ज्वेलरी पहनना स्टार्ट कर दो। Attention please. कार नंबर MP08A2020 VIP सेक्शन में पार्क है। जिनकी भी ये कार है प्लीज वहाँ से हटाइए। व्हाइट कार 2020 MP08A2020। थैंक यू। ओ गॉड मानव, अपना फोन भी मेरे पास भूल गया है। एक्सक्यूज मी, आई सी यू लेटर। व्हाट हैपेंड आकांक्षा? कमाल है मैडम आपका, खड़ी गाड़ी में ठोक दिया आपने। जरा देख कर तो चलाया कीजिए आप। सॉरी भाई साहब, वो खाम खा इतना बड़ा नुकसान कर दिया आपने। आपको पता है ये मेरे सर की फेवरेट कार है। I'm really sorry, वो अचानक क्या? और आपके सॉरी बोल देने से इतना बड़ा नुकसान ठीक नहीं हो जाएगा। राणे सर देखिए ना। It's okay, हो जाता है। कोई घर से ये सोच के थोड़ी निकलता है कि आज एक्सीडेंट करेगा। It just happens। इन्होंने अगर कुछ ज्यादा कह दिया है तो इनकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। I'm sorry। नहीं इट्स ओके। वो एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड मैं आपकी गाड़ी पार्क कर दूं? आप? हाँ, गाड़ी चलानी आती है मुझे। ओके थाने गाड़ी हटवाओ। यस सर। सॉरी। आपकी चाबी। थैंक यू। सॉरी। वेलकम मिस्टर कपूर। आपके जैसे रियल एस्टेट बिजनेस टाइकून ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच सर, वी आर रियली ऑनर्ड। नो इनकन्वीनियंस एट ऑल। It's actually been a pleasure being here. Please come. Good evening, everyone. Today we have 5 participants. So let's cheer for them. कहाँ रह गई थी तुम? मैं कहाँ रह गई थी? तुम कहाँ रह गए थे? बच्चे को सुसु करवाने में इतनी देर लगती है। अरे यार, बाथरूम में लाइन लंबी थी ना। लगता है सभी बच्चों को डर के मारे एक ही साथ सुसु आ गई थी। सेकंड पार्टिसिपेंट झूठ बोल रहे ना? हाँ हाँ, तुम्हारे बेटे का मूड ठीक करने के लिए उसे समोसा खिलाने ले गया था। The third participant is 8-year-old Sanya Arora. और तुमने कार VIP पार्किंग में पार्क की थी? हाँ, और कहीं जगह ही नहीं थी ना। और वैसे भी I hate this VIP culture. हाँ, of course. तुम्हें कोई भी रईसों वाली चीजें कहाँ पसंद है? The fourth participant is 11-year-old Tina Chawla. तुम्हें कैसे पता मैंने गाड़ी वहाँ पार्क करी थी? अरे अनाउंसमेंट हुई थी कार हटाने के लिए। हाँ हाँ। फिर क्या? तुम तो अपनी समोसा पार्टी में बिजी थे, तो मुझे जाना पड़ा कार हटाने के लिए। और मैंने जल्दबाजी में ना एक महंगी कार ठोक दी। हाँ? अरे तुम ठीक हो ना? लगी तो नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। हमारी गाड़ी ठीक है ना? मानो अगर मरते हुए आदमी को छोटी मोटी बीमारी हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? गुड जोक। जोक नहीं था। एंड द फिफ्थ पार्टिसिपेंट इज 6-year-old यथार्थ बाजपाई। तो राउंड 1 की शुरुआत करते हैं विद यथार्थ बाजपाई। कम ऑन चैंप। ऑल द बेस्ट। So Yatharth, spell handkerchief. H-E-N-D-K-E-R-C-H-I-E-F. Correct. Now spell tremendous. T-R-E-M-E-N-D-O-U-S. Absolutely correct. Now spell Mississippi. M-I-S-S-I-S-I-P-I. That's incorrect. I'm sorry, Yatharth. Better luck next time. The next participant, Tina Chawla. अच्छा भला मिसिसिपी के स्पेलिंग याद करवा रही थी इसे, लेकिन नहीं, तब सुसु याद आ गया इसे। अरे यार अक्कू, सुसु पे किसका कंट्रोल होता है यार? तुम तो कुछ बोलना ही मत, इतने बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर हो। माना अंडर द टेबल मनी नहीं लेते, लेकिन अपनी पोजीशन का कुछ तो फायदा उठा सकते हो। तुम्हारा एक कॉल इसे किसी भी रिप्यूटेड स्कूल में एडमिशन दिलवा सकता है, लेकिन नहीं, ये तो द ग्रेट मानव बाजपेयी के उसूलों के खिलाफ है। और जब मैं कोशिश करती हूँ तो साहब को समोसे याद आ जाते हैं। सॉरी मम्मा। अरे बेटा, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपको तो प्राउड फील करना चाहिए। पता है, आप इस कंपटीशन के सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट थे, सबसे छोटू सा। देखना हमारा ये छोटा पैकेट बड़ा होकर ना ऐसा बड़ा धमाका करेगा एकदम। सॉरी एक मिनट सेल्फी सुपर मॉम का सुपर सन सैटरडे आफ्टरनून हैविंग फन। और ये गया फैमिली ग्रुप में। यथू सॉरी बेटा, आज मामा ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना। चलो आज आपको एक अच्छा सा लंच करवाते हैं। ओके चलो चले। थाली थाली भंडारे पे नहीं जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं। पॉट टू प्लेट रेस्टोरेंट के नीचे कहीं नहीं जाऊंगी। पॉट टू प्लेट तो बहुत दूर पड़ेगा यार। हाँ बहुत दूर है, हमारे घर के रास्ते में है। हैं? हाँ इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत है? यथू स्पेल माइजर। माइजर मींस कंजूस। MISER। नो बेटा MANAV मानव। इडली खाएगा ना तू? नहीं। अरे तो यही तो डिश देख रहा था ना तू। मैंने कब देखा? नहीं देखा। Excuse me. 1 crispy calamari rings, quick salted caramel pie, 1 sticky toffee pudding, Yorkshire lamb patties, and 1 cheese salad. Thank you. That will be all. 780, 700, 550, 520, 790. Enough. खाने के बाद बिल अपने आप आ जाएगा। अभी से हिसाब लगा के अपने दिमाग को तकलीफ क्यों दे रहे हो? हाँ उसके लिए तुम हो ना। सुन लिया है मैंने। यस सर बताइए। किचन देखना है हमें, कंप्लेन मिली है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से। हम किस बात की सर? आपके मैनेजर को बुलाइए। ओके सर। जी सर। गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से हम। हमारे रेस्टोरेंट की कंप्लेंट मिली है मुझे। कंप्लेन? हाइजीन और फूड क्वालिटी का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। अरे सर ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, विश्वास कीजिए। आपको किसी ने गलत कंप्लेंट की है सर। वो हम तय करेंगे, तुम अपना किचन दिखाओ। ठीक है सर चलिए। चलो। क्या बात है सर, आप इंचार्ज है सर। ये 3-3 सिलेंडर यहाँ क्यों रखे हैं? सर ये सब सिलेंडर तो सील्ड है सर। जब आग लगेगी ना तो ये सिलेंडर ये नहीं देखेंगे कि सील्ड है या नहीं। आपके फ्रिज से सड़ने की बदबू आ रही है। अरे नहीं सर बिल्कुल सब साफ है। क्या खोल के देख सकता हूँ? हाँ सर प्लीज देखिए ना। क्या क्या रखते हैं आप इसमें फ्रिज में? मैं भी आता हूँ। ये सड़ा पनीर इस्तेमाल कर रहे हैं आप? नहीं सर ये तो एकदम फ्रेश है सर। हम सर्टिफाइड गवर्नमेंट वेंडर से लेते हैं। आप बिल देख सकते हैं। देखिए जो देखना था हमने देख लिया। पांडे जी। जी सर। लाइसेंस कैंसिल करिए इनका। अरे नहीं सर, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखते हैं। मतलब 5 लाख? सर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कुछ कम कर लीजिए प्लीज सर। हेलो एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर आप प्लीज बाहर जाइए ना। आपका नाम जान सकता हूँ मैं? खाना खाने आया हो ना, चुपचाप अपना खाना खाओ और जाए यहाँ से। रेड चल रही है यहाँ, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट से हैं। अच्छा नहीं, पहले कभी आपको देखा नहीं ना। मतलब मानव बाजपाई जूनियर ऑफिसर टाउन प्लानिंग एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट। तो कौन सा ऑफिस बताया आपने अपना? ओह बैरागर वार्ड नंबर 1। हाँ वही, जुमेराती रोड, बेरसिया रोड। हाँ वो उसी के पास। फर्जी लोग हैं ये लोग, नकली आईडी दिखाकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। प्रिंसिपल रेट के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठना इनका काम है। भाई कौन? अरे पकड़ो इन्हें। मैनेजर प्लीज, मैनेजर पकड़ो इन्हें, पकड़ो पकड़ो, छोड़ छोड़ छोड़ो मैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर आज आपने मेरा इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है। सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अरे नहीं सर, मैंने तो अपने डिपार्टमेंट का नाम खराब होने से बचाया है। आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे सर? सर सेवा का हमें कुछ तो मौका मिलना चाहिए ना, प्लीज। अरे नहीं नहीं सीरियसली। अरे हाँ। क्या कर रहे हो? हाँ अरे देखा नहीं सर ने हमारे लिए क्या किया है। इनसे हम बिल लेंगे। अरे भाई वापस लेके जाओ इसे। अरे नहीं नहीं सर, इतना तो कर ही सकते हैं हम वाजपेयी साहब के लिए। सर आप ना इसे हमारी ओर से एक छोटा सा तोहफा समझ लीजिए प्लीज। ऐसे छोटे छोटे तोहफे ही आगे चल के बड़े बड़े लालच की शक्ल ले लेते हैं। अरे राहुल जी 3200। यस सर मुझे दो ना। हाँ प्लीज प्लीज। थैंक यू। भाभी जी ये फ्री मील कूपन है, आपके बाबा का बर्थडे हो, आपकी एनिवर्सरी हो, आप प्लीज हमें सेवा का मौका जरूर दीजिए। ये लीजिए। नहीं ये हम नहीं ले सकते। थैंक यू वेरी मच। मानव तुमने उनका 5 लाख का नुकसान होने से बचाया है। उसके बदले में अगर वो टोकन ऑफ थैंक्स दे रहे थे तो उसमें क्या बुराई है? पर नहीं, हम तो 3200 का बिल देके ही मानेंगे। इतने में तो मेरी 3 लिपस्टिक्स आ जाती। आपको जो आज फेवर देगा वो कल फेवर लेगा भी। फेवर छोटा हो या बड़ा रिश्वत ही होता है। अच्छा तो तुम्हारी नजर में वो फ्री कूपन्स जो मुझे मिल रहे थे वो भी रिश्वत ही होगी ना? हाँ, अपना काम ईमानदारी से करने के लिए लाइफ में किसी को फ्री कूपन्स नहीं मिलते हैं। तो ऐसा है मिस्टर ईमानदार कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में ना लोगों को अपना काम ना करने के लिए पैसे मिलते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट मिलते हैं, कैश मिलता है। और एक तुम हो के, अब मिस्टर मनचंदा को ही देख लो, तुम्हारे ही डिपार्टमेंट में से है, पोस्ट भी तुम्हारे जैसी ही है, सैलरी भी तुम्हारे जितनी ही लेते हैं, लेकिन गाड़ी तुम्हारी 2020 से कहीं ज्यादा बड़ी है और ब्रांड न्यू। मानव कब तक हम ये सेकंड हैंड जिंदगी जीते रहेंगे? मेरी लाइफ तो फर्स्ट हैंड है यार। दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की मेरी बीवी है, दुनिया का सबसे क्यूट बच्चा मेरा बेटा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। और क्या चाहिए यार? बहुत कुछ चाहिए। इसलिए कह रही हूँ कि तुम भी अब मिस्टर ईमानदार से मिस्टर समझदार बन जाओ। मानव लोगों से ये छोटे छोटे फेवर्स लेना, इसमें कोई हर्ज नहीं है यार। ये छोटे छोटे फेवर्स ना मुझे अंदर से छोटा महसूस करवाएंगे। तुम्हारी सोच बदलने का कोई तरीका हो ना तो बता देना मुझे। कोई हवन, कोई जागरण, कोई पूजा। मेरे जमीर को सुलाने के लिए नहीं, हमारी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए, ताकि हमारे पास भी बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, ब्रांड न्यू, ना कि ये खटारा। आजा बेटा। मानव तुम तो बदलोगे नहीं, कम से कम ये एसी ही बदलवा दो। जो चीज रिपेयर हो सकती है उसे बदलें क्यों? सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि रिपेयर सस्ता है? ठीक है सीधा सीधा बोल सकते, रिपेयर सस्ता है बोल दिया। अब मैं कुछ बोलूं? महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मेम साहब पंखा ले लीजिए, सिर्फ 150 रुपए का, बस 150 रुपए का। नहीं चाहिए दीदी, 150 रुपए का दे दीजिए। वाजपेयी साहब 150 ना? 150। धन्यवाद साहब। मानव तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बिना मोल भाव किए ले लिया। कीमत चीज की नहीं जरूरत की होती है, और इस वक्त उस औरत को मुझसे ज्यादा जरूरत थी। बाजपाई हाउस की महारानी को पंखा झालो बालक। बच गए हैं 3:30। वक्त हो गया है जिसका था हम सबको इंतजार, क्योंकि टूटने वाला है एक स्टार। तो फौरन अपने दिल के दरवाजे खोल दो और जो भी ख्वाहिश है टूट सितारे से बोल दो। मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन ये कार मेरी हो। मुझे तो तुम मिल गई आकांक्षा, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.